ग्रेस भगवान की कृपा से आज के दिन नशे से दूर हूँ। 26 साल रियली यार, ये चमत्कार है आप लोगों के साथ रहने का। इसमें मेरे को जरा सा भी कोई हिचक नहीं है और मैं इतना हम्बल भी इसलिए नहीं हो रहा कि ये सत्य है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, तो मैं अपनी नम्रता पे काम नहीं कर रहा, मैं इस सत को जानता हूँ। कहते हैं ना, राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत है। तो ये सत्य है कि आपके साथ हूँ, इसलिए नशे से दूर हूँ। आज बात कर रहा था किसी से तो मैंने कहा, हाँ फ़ोन पे कर रहा, मैंने कहा ओए होए 26 साल। वो कह रहा, गुरु जी क्या बात है। तो मैंने कहा यार बिल्कुल उत्साह है, आज बड़ा ज़रूरी है उत्साह। मैं उस दर से निकला हूँ तो मैं इतना हम्बल इलाफ नहीं होगा, मैं तो शोर मचाऊंगा, मैंने 26 साल कर लिया। उसके लिए गर्व हूँ, घमंडी नहीं हूँ। तो 26 साल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि वो आपके साथ मैंने पूरे करे हैं। अब बात यही अनुभव की है, और क्योंकि अब 26 साल हुए हैं तो स्वाभाविक है इस फेलोशिप के साथ हुए हैं तो बहुत सारे अनुभव जुड़े हुए हैं, तो वो अनुभव मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो इतनी आसानी से हो गए जो इतना मुश्किल काम था। मैं पीता था, पछताता था, मैं कहता था यार ये धूप क्यों नहीं अच्छी लग रही मेरे को, जब मैं कुछ दिन के लिए छोड़ता था। कुछ मौसम ऐसे होते थे तो मेरा मन बड़ा उबता था, मैं फिर पी लेता था। अभी फिर भी मैं अपने ड्रग ऑफ चॉइस पे नहीं होता था, मतलब कि शराब पे रुका होता था, कुछ टाइम से अब्सटेन कर रहा होता दूसरे ने अपना जो ड्रग ऑफ चॉइस था, लेकिन फिर भी मैं पी लेता था, फिर मैं रिलैप्स हो जाता था उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और मैं अंदर से रोता था, पछताता था, डॉक्टर साहब के पास जाता था, कहता था डॉक्टर साहब मैं सच में छोड़ना चाहता हूँ, पता नहीं मेरा मन ऐसा क्यों है। मतलब कि बड़ी अजीब सी सिचुएशन आ गई थी कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, ना पीना अच्छा लग रहा था, ना जीना अच्छा लग रहा था। ये कितना बड़ा काम था जो इस फेलोशिप ने इतना आसान कर दिया। और ये 26 साल इसीलिए मतलब कि मुझे अच्छा लग रहा है, तभी मैं नशे से दूर हूँ, क्योंकि मैं बहुत गंदी पर्सनैलिटी हूँ यार। मतलब कि मैंने ये ठीक है, तो मैंने जब नशा करते हुए लोगों को देखता था, मैं जैसे बड़ा जजमेंटल था। तो मैं एक यादराम की चाय की दुकान होती थी हमारी, तो हम कई लोगों को सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए जाते देखते थे ना, तो मैं कहता था अबे छोड़ ये कोई ज़िंदगी है, ये लोग सिर्फ ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में जाके क्या बात करते हैं, आज ठंड बड़ी है, आज गर्मी बड़ी है, या महंगाई बड़ी होगी, या बसों में भर। तो उनका लाइफ में कुछ और था ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में तो बहुत कुछ था। नशा कहाँ से लेना है, नशा कहाँ से करना है, और वो जो फ़न, वो जो हाई बन चुका था ज़िंदगी का, वो उन लोगों में शामिल ही नहीं होने दे रहा था, और वो बेवकूफ़ लगते थे। और कभी कभी मुझे अपने आप को बड़ा दर्द होता था, मैं कहता था यार मैं बेवकूफ़ हूँ, लोग इंडिया गेट पे गुब्बारे से खेल रहे हैं, मेरी बहनें मुझे लेके गई हुई हैं, मैं नशे से कुछ दिन दूर हूँ और मैं उनको खेलते हुए देख रहा हूँ, तो मैं वो जो डिप्राइव्ड की फीलिंग होती ना कि मैं इनमें शामिल नहीं हो सकता, कि वो लोग मस्ती मार रहे हैं और मैं मस्ती नहीं मार पा रहा, क्योंकि वो उत्साह ही नहीं था ज़िंदगी में, नशे के बगैर कुछ मज़ा ही नहीं आता था। तो कितनी मुश्किल ज़िंदगी थी यार, मतलब कि नशा आप लोगों ने भी आइडेंटिफाई किया होगा अपनी ज़िंदगी में तो। बट मेरे को तो ये चीज़ें जब याद आती हैं ना, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे मेरे पास। मैं देख रहा हूँ कि मैं सामान लेने जा रहा हूँ बागपत, अभी एक भाई बागपत से आया हुआ, उस टाइम बागपत पे स्मैक मिला करती थी, हम ट्रकों में जाते थे वो भट्टे वाले में बैठ के। और एक बार मैं उससे पूछा, जो भट्टे वाला लेबर होती है उसे, मैंने कहा, उसको देख रहा वो अपना साफा सा लहरा रहा है, गीला साफा हवा में सुखाते हुए, और उसके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, भाई इधर वो कितने पैसे मिलते हैं? उसने 10 रुपये बताए उस टाइम के हिसाब से, या 20 रुपये। तो मेरे पास पैसा, नशा, सब कुछ होते हुए मैं वो खुशी नहीं महसूस कर सकता था। तो ये मेरी एडिक्शन थी जो मेरे को पिला रही थी, पछतवा रही थी, मैं किसी के बीच में शामिल नहीं हो पा रहा था। और ये फेलोशिप में जब आया और आप लोगों को हंसते हुए देखा, फेलोशिप हमारे, मेरे को नाम लेने की बीमारी है, बुरा मत मानना।
ठीक है, बट मेरे को पता है कि कैसे नाम लिए जाते हैं और मैं ट्रेडिशन भंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ऐसे वाले नहीं करता। हमारे कोहली साहब बैठे, मैं कोहली साहब कहते हैं, मैंने कोहली साहब ना बोलिया करो तो कोहली साहब थे हमारे, हमारे से ये होप और स्ट्रेंथ थे हमारे लिए, जैसे आप कहते हैं कि जो आगे चल रहे हैं। और इनकी शेयरिंग सुननी और इनकी छोटी छोटी बातें सुननी, आज तक वो अनुभव शेयर करते हैं कुछ पैसे का, कि मैं पैसे बचाता था, फिर मैं मीटिंग का आठवें दिन नहीं लेता था। अच्छा एक चीज़ और है इस फेलोशिप में, उसी बंदे की बात लगेगी आपको, वो जो शेयर कर रहा होगा सच कर रहा होगा, तभी आप वो करेंगे। तो वो मतलब कि जो वो कर रहा है, वो बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, तो तुम करने लग जाओगे, तुम्हारे को तभी कर पाओगे क्योंकि वो कर रहा होता है। तो फेलोशिप में वो ऐसा कर रहे थे, तो उनसे हमको सीखने को मिला शुरू में, कि हम पहले तो अपने माँ बाप से ये कहते थे कि लाओ पैसे, और उनको पहली बार लगा कि कोई बात नहीं मेरे पास पड़े हैं मैं 10 रुपये अभी। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, जो बदलाव भी आ रहे थे, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा था, खुशियाँ मिल रही थी। और अब क्योंकि फेलोशिप की बात शुरू होती है, तो 15-12 हम लोग फेलोशिप में थे, हमारे से आगे ध्रुवा भाई थे, तब ये एक ही मीटिंग ज़्यादा करते थे, तो इनका आशीर्वाद थोड़ा कम मिला तो थोड़ा डिप्राइव्ड रहे उस मामले में हम। तो ऐसे हमारे कुछ और सीनियर्स जो थे, लेकिन उस टाइम हम लगभग तरस भी रहे थे और भटक भी रहे थे। और उस बीच एक व्यक्ति और आया, उसने हमारे को बहुत दिया, हम सारे ने उसको पकड़ लिया। अब ज़्यादा नाम भी नहीं लेना ना, ख़राब हो जाएगा काम, ठीक है। तो खैर कहने की बात है कि वो पॉजिटिवली हमारे को उसने सर्विस का एक्सपीरियंस दिया। सर्विस में ये सिखाया कि आपने ग्रुप में नहीं आना है, किसी से बदले की भावना से सर्व नहीं करनी है। ये वो सब चीज़ें जो वो कर रहे हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं, वो धीरे धीरे वो घुलते जाएंगे, अगर हम प्रिंसिपल्स पे रहेंगे और हम बढ़ते जाएंगे। हमें यहाँ कोई पॉलिटिक्स, हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें थी ना, वो वाली, अब वो उसकी बात इसलिए हमने ली क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कर रहा था। अब वो जब ज़िंदगी में कर रहा था, तो हमने भी वो चीज़ें करनी शुरू कर दी। और धीरे धीरे हम फेलोशिप में सबसे बड़ा एक जो कहते थे कि अगर आप रिकवरी में थोड़ा और अंदर आना चाहते हो, तो आप ज़रा अंदर के सर्कल में आ जाओ। तो हम अंदर के सर्कल में आ गए, एरिया सर्विस, ये वो कमेटियाँ, और इस तरीके से सर्विस की भावना, ऑब्सेशन हो गए टी शर्ट्स बनाने के, फेलोशिप में नया करने के, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को पुश करते रहे, चलते रहे। कोई हाई का चक्कर नहीं था, लेकिन अच्छा लगने का था, डूइंग गुड फीलिंग गुड जिसे कहते ना, अच्छा करते 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 बहुत चीज़ें ऐसी होने लगी फेलोशिप में। हमारा एक पहला बैच 3 रुपये का बना, वो हम 10 रुपये में बेच के आए बम्बई में, बड़ा खुश हुए। शकील भाई आज भी लगा के घूमते हैं उस बैच को। तो कहने का मतलब, वो कंसर्न, वो फील लेने का जो था, वो अंदर ये आने लगा कि भाई साहब ये घर मेरा है, मुझे इस घर में रहना है और इस घर की सेवा करनी है। और मैंने तो सेवा को उस तरीके ले लिया जूतों की सेवा, सच्चाई बताऊँ आपको ऑनेस्टली। मैं कन्वेंशनों में जाता था, हम लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या बने हैं क्या नहीं बने, वो तो ऑब्वियसली एक पोर्टफोलियो देना पड़ता है आपको चलाने के लिए, करने के लिए। लेकिन वो NA का जो हमारा एक है, वी आर ट्रस्टेड, हम एक विश्वसनीय सेवक हैं, शासन नहीं करते हैं, वो एक एटीट्यूड, वो सबको साथ लेके चलने का फंडा, वो मैंने बहुत सीखा दोस्तों। वो सबको साथ लेके चलने का, और एक आवाज़ में यार, मतलब कि इधर आना तो गाली देके भी बुला लेना, मतलब कि कोई किसी की नौकरी नहीं कर रहा था, लेकिन सारे ही हम इतने ग्रेटफुल थे, ग्रेटिट्यूड था। उसे पता था ये भाई ये कर सकता है, ये भाई ये कर सकता है, ये भाई ये कर सकता है। हमारे दीपक शर्मा जी आर्ट एंड ग्राफिक्स का बड़ा अच्छा काम करते थे, वो ऐसे तराशते थे, मज़ा आ जाता था वो चीज़ों को लगे, और पागलों की तरह लगे मैं 12-12 घंटे। तब तो पैसा ये वो बहुत कुछ आ चुका है, 9,500 की अभी कल मैंने रजिस्ट्रेशन करानी थी, तो कह रहा भाई साहब 9,500 की है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मतलब कि अब कितना पैसा, अब हम भी वेल ऑफ हो गए, अच्छी बात है, नो डाउट। ये नहीं कि फेलोशिप, अब सब कुछ बढ़ रही है तो स्वाभाविक है। तो कहने का मतलब, वो एक भावना जो थी ना सर्विस की, सेवा की, वो यहाँ से मिली दोस्तों। और मैं आपको बड़ी सिंसियरली बता रहा हूँ, एडवाइस समझो, सुझाव समझो, मेरी ज़िंदगी में आज तक वो काम कर रही है। मैं 60 स्टाफ एडिक्ट्स को डील करता हूँ रोज़ लगभग, और सोचो अलग अलग उनको हैंडल करना, किसी को कैसे मनाना, किसी के साथ कैसे चलना, और बॉस तो बनना ही नहीं है, तो फिर तो काम ही ख़राब है। तो वही
काम में भी वही काम करता है यार, सबको साथ, सबको विकास, आगे बढ़ाते, नीयत साफ, वो सब चीज़ें करने का जो अनुभव मिला ना मेरे को, वो मेरे काम में मेरे को बड़ा अच्छा मिल रहा है। मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ उस चीज़ को, नो डाउट। मतलब कि मेरा काम अगर ऐसे कहूँ तो 3-4 जगह फैला हुआ है और मैं बहुत पीसफुल हूँ। अच्छा, मैं आज अभी बैठे बैठे सोच रहा था यार, पहले ना मेरे शेयरिंग वेयरिंग चलती रहती थी क्या करना है, तो आज मैंने कहा तेरे अंदर कुछ चल ही नहीं रहा आजकल। मैं वैसे जैसे कोई कहता है मैं नर्वस हो रहा हूँ, मैं कहीं भी जाके बोलना शुरू करता हूँ आराम से, तो इतना ऑक्यूपाई रहता हूँ, दिमाग मेरा इतना भरा रहता है, कुछ ना कुछ चला ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी, जैसे हमारी कन्वेंशन कमेटी में मैं बड़े ऑब्सेशन से कह लो या जो भी कह लो, पता नहीं, कुछ चीज़ों के लिए ऑब्सेशन में भी मज़ा आता है काम करने का, तो वो अपने आप को खो देना, बच्चों को भूल जाना, मेरी बीवी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरा कमरा कहाँ है। आज थोड़ा क्रिटिक कम होगा, आजकल कन्वेंशन कमेटी में तो चेयरपर्सन का कमरा बेस्ट होना चाहिए, फिर उसी कमेटी वालों को सबको सही सही चाहिए। पहले ऐसा था ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता था हमें सोना कहाँ है, हमें खाना मिला या नहीं मिला, नो कंप्लेंट। तो वो सेवा भाव वाला फंटा था ना जो जेनरली, तो थोड़ी बीमारी है ना वो क्रिटिकली, तो कोशिश करूँगा, पर ये अनुभव भी देना ज़रूरी है मेरे को, क्योंकि मैं उस अनुभव को लेकर आया हूँ जहाँ सेल्फलेस सर्विस हुई है। सिर्फ मैंने नहीं, मेरे साथ के बहुत सारे लोगों ने, रवि डी बैठा हुआ है एंड बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो नाम मैं कोई बुराई में नहीं ले रहा, अच्छाई में ले रहा हूँ, आपके अनुभव के तौर पर ले रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये जो सारा कुछ आज इन्हें इतने फल फूल रहा है, उसमें ये सेल्फलेस सर्विस, उन मोटिव्स का बहुत योगदान रहता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, स्पिरिचुअल जगह है। अगर मेरी सेवाएं वैसी रहेंगी, मेरा स्वभाव वैसा रहेगा, तो इसका स्वभाव अच्छा रहेगा और मैं आता रहूँगा। अगर इसका स्वभाव बिगड़ गया तो पता नहीं क्या होगा। तो मेरे को ज़रूरत है आप लोगों की, आपके बीच में रहने की, तो यही मेरा अनुभव है यार कि मैं आ रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू।